हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ BMW पे उसकी सेकंड सर्विसिंग के लिए। और आज हम अपना ये हेलमेट यूज करने वाले हैं। इस पे GoPro नहीं लग सकता तो फिर मोटो व्लॉग नहीं होने वाला। ये एक सर्विसिंग वाला व्लॉग है जिसमें मतलब BMW की सेकंड सर्विस के बारे में आपको अपडेट मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या बिल बैठता है मेरी बाइक का। अब वैसे उन्होंने मेरे को कहा था कि आप अराउंड 11,800 किलोमीटर पे सर्विस करा सकते हो, बट मेरी बाइक आज जब चंडीगढ़ पहुंचेगी तो उसके 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे या 10-11 किलोमीटर कम ही रहेंगे। अब मैं सर्विस इतनी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्पीति राइड करी, कश्मीर राइड करी, कश्मीर राइड के बाद मैंने चेकअप नहीं कराया था। मैंने सोचा कि अब चलो सर्विस ही करा लूँगा। 9,200-9,300 किलोमीटर चली थी तब, बट अब 10,000 चल चुकी है तो फिर मैंने सोचा कि अब कश्मीर राइड के बाद अब सीधा ये सर्विस कराते हैं। अब सर्विस इसलिए करा रहा हूँ मैं इसकी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये कभी कभार स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब पहली बार मैं स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ देता हूँ तो इग्निशन में कुछ दिक्कत आती है, फिर दोबारा चाबी ऑफ करो, फिर दोबारा इग्निशन ऑन करो, देन फिर उसके बाद स्टार्ट होती है। एक ये इशू आ रहा है और एक कुछ वाइब्रेशन आ रही है पीछे से जो अभी तक नहीं आई थी, अब स्टार्ट हो गई है। तो फिर मेरे को लग रहा है कि वो शायद कुछ मतलब हो सकता है, उसका भी कुछ इशू हो सकता है, मैं क्या ही बोलूं, अब वो तो उन्हीं को पता है। तो हाँ, इसी वजह से मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तो निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। साढ़े 12 बज चुके हैं और फाइनली मैं BMW के शोरूम पहुंच चुका हूँ। 12 बजे का टाइम दिया था अपॉइंटमेंट का, बट आधा घंटा लेट हूँ, तो ऐसा उससे तो कुछ खास इशू आया नहीं है। अब हमारी बाइक का भी नंबर लगने वाला है आधे घंटे में और होप करते हैं जल्दी जल्दी हमारी बाइक ठीक हो जाए। मैंने अपनी बाइक का इशू इन लोग को बता दिया कि एक तो स्टार्ट में प्रॉब्लम हो रही है और जो दूसरा है वो कुछ पीछे से जो वाइब्रेट हो रही है ना, वो कुछ अलग इशू है। तो वो दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ इन लोगों को और ये कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे, आप टेंशन ना लो किसी भी बात की। तो मैंने कहा ठीक है, आप हम तो यहाँ पे वेट ही कर सकते हैं और तो कुछ है नहीं हमारे पास करने के। तो भैया शोरूम से निकल के मैं आ चुका हूँ अभी अम्बाला बर्गर किंग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और अपनी बाइक की सर्विसिंग हो चुकी थी कम्प्लीट। आधा घंटा पहले मैं निकला था चंडीगढ़ से और अभी 5 बज चुकी है, मैं अम्बाला पहुँच गया हूँ। बहुत ज़्यादा थकावट वाला दिन था। बस ये है कि अपनी बाइक की सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो इश्यूज थे वो रिजोल्व हो चुके हैं हमारी बाइक के, और जो बिल वगैरह जो भी आया ना वो मैं आप लोग को घर जाके बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी बर्गर किंग में मील इंजॉय करता हूँ और जाऊँगा घर पर अपना आराम से। भैया खाना खा चुका हूँ मैं और अब यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए और फिर आप लोगों को सर्विसिंग का अपडेट देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, कितना खर्चा आया, वो सब घर जाके अभी बताता हूँ। सुनो राजू को कहो गेट खोल दे। माँ ओ यस, ऐसे भी आ गया। तीन पापा आ गए बच्चे। ये पापा का बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा। क्या क्या ऐसी आ गया, कब आया था? क्या हाल चाल ने? आ गया। देख लो कालक लगी पड़ी है ये, उससे लग गए हेलमेट से थोड़ी। उस पे कहां से आई? मतलब हो जाता है, वो अंदर दब गया था। देखना क्या हालत हुई पड़ी है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ से अपने घर पे और अब इसमें है हमारे BMW का बिल, जो मतलब सर्विस चार्ज जो भी लगा वो सारा अपडेट इसमें है। जैसा कि आप सब लोग को पता है, सर्विस कराने में चंडीगढ़ से कराया था क्योंकि बाइक मैंने चंडीगढ़ से ली थी, तो इसी वजह से मैं सर्विस भी चंडीगढ़ से कराता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ के जो सर्विस सेंटर वाले लोग हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है। तो हाँ, बस यही रीज़न है कि मैं वहीं से सर्विस कराता हूँ। तो जब मैंने बाइक ली थी ना सबसे पहले, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, कह रहे BMW की सर्विसिंग महंगी नहीं है, बट जो यहाँ की लेबर है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है। वो मेरे को उसी दिन पता लग गई थी जिस दिन मैंने बाइक पे अपनी एसेसरीज BMW के शोरूम से लगवाई थी, वो मेरे को उसी दिन समझ आ गई थी, क्योंकि मैंने 3-4 चीज़ें लगवाई थी और उसकी जो लेबर चार्ज था वो था 5,000 रुपीज़। तो चार चीज़ें, प्राइसिंग अलग है बट जो लेबर चार्ज था वो 5,000 था। अब खुद इमेजिन कर लो तो फिर क्या सीन रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके ऊपर जिसमें हमारा मेन बिल है। तो सबसे पहले जो है दो पेपर है, ये वाला है इसमें जो लेबर का चार्ज है वो है, और ये जो दूसरा है जिसमें जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो चीज़ है। तो सबसे पहले इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था, उसके लगे हैं 1,849 रुपीज़। देन फिर उसके बाद ऑयल फिल्टर, उसके लगे हैं 274 रुपीज़। देन फिर ब्रेक फ्लूड चेंज हुई,
उसके 361 चेन स्प्रे चेन ल्यूब्रिकेशन करा, उसके 257 रुपीज चेन क्लीन करा, उसके 186 रुपीज। देन फिर आ जाता है एयर फिल्टर, उसके लगे 353। ये कुछ चीज़ें थी, इसका टोटल बैठता है हमारा 3282 और फिर इस पे GST लग जाता है 590 रुपीज, तो ये हो जाता है हमारा 3873 रुपीज। तो ये तो हमारा जो मतलब चीज़ें चेंज हुई वो चीज़ें थी। अब आते हैं हम लेबर वाले पेज पे। तो ऑयल चेंज करने के इन्होंने लिए जो लेबर चार्ज है वो 571 रुपीज़। देन फिर एयर फिल्टर का 190। चेन जो इन्होंने एडजस्ट करी, जो चेन टाइट करी या लूज करी, टाइट ही करी होगी वैसे तो, चेन टाइट करने के इन्होंने लिए 381 रुपीज। देन फिर ब्रेक फ्लूड के इन्होंने लिए 952 रुपीज। और फिर इसके बाद सर्विसिंग हो गई हमारी बाइक की कंप्लीट। देन फिर ये चेक करते हैं बाइक को, खुद चला के देख के आते हैं कि बाइक में कोई इशू तो नहीं है। तो वो चेक करने के इन्होंने लिए 571 रुपीज। तो एक और चीज लिखी हुई है BMW सर्विस, ये BMW सर्विस लिखा हुआ है। एक चीज और, इसका चार्ज इन्होंने डाल रखा है 952। ये मेरे को नहीं पता क्या चीज है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं, मैं बता नहीं सकता। तो इसका टोटल आया 3620 रुपीज और इस पे GST लग गई 651 और हमारा टोटल आया 4272। अब आप खुद देखो, ये जो लेबर चार्ज है वो ज्यादा महंगा है उससे जो कि चीजें चेंज हुई हैं, उससे ज्यादा लेबर चार्ज है। हाँ, ये चीजें हैं जो चेंज हुई थी। तो मेरी बाइक का एक बंद होने का इशू था, वो इन्होंने काफी हद तक मतलब ठीक कर दिया था। तो मेरे को उस चीज का शुक्र है कि वो उनके सामने आ गया था। जैसे मतलब वो मेरे को बाइक हैंड ओवर करने लगे ना, देन फिर मैंने उनको एक बार दोबारा बताया, मैंने कहा मेरी ना बाइक एक्चुअली बंद हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो आपने एक्स्ट्रा लाइट लगवा रखी है उसकी वजह से आए। तो मैंने कहा कि लाइट का कोई वो है नहीं, बाकी अगर आपको लाइट का लग रहा है ना तो आप वो लाइट की तार काट दो। तो फिर उन्होंने वो लाइट की तार काट दी, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा बैटरी में भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तो फिर बाइक उनके सामने ही बंद हो गई और फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। तो फिर उन्होंने मेरी जो चार्जर की वायर थी वो उन्होंने निकाल दी। देन फिर उसके बाद हमारी बाइक प्रॉपर सही से वर्क करने लग गई। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। और इस तरीके से हमारी बाइक की हो गई सर्विस और मेरा जो सर्विसिंग का कोर्स था वो आया था अराउंड 9000 रुपीज। मतलब टोटल कर लेना यार आप लोग, मेरे को याद नहीं है, 4272 एंड जो दूसरा है वो है 3873। तो मोटा मोटा ये लगा लो मतलब 8000 के आसपास आ गया जो हमारा बिल था। सेकंड सर्विसिंग का जो मेरा बिल आया वो 8000 के आसपास का आया था। और काफ़ी लोग ना कंप्लेन करते हैं कि इसकी सर्विसिंग काफ़ी महंगी है। तो देखो भाइयों, बात ऐसी है कि आप ना एक ब्रांड ले रहे हो तो उसको ना मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप लेते हो ना तो फिर भाई उस खर्चे की आदत डाल लो, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप 4-4.5 लाख की बाइक लेते हो ना तो 10,000 कोई बड़ी बात है नहीं इसकी सर्विसिंग का। क्योंकि पहली सर्विस हुई मेरी 1000 किलोमीटर पे, देन फिर हुई मेरी अब 10,000 किलोमीटर पे। तो भाई इतने में जो बाकी बाइक्स होती है ना उनकी 3-4 सर्विस हो जाती है जितने में हमारी एक सर्विस होती है। अब मेरी जो नेक्स्ट सर्विस है वो 20,000 पे, तो उसमें टाइम भी तो लगेगा ना। हाँ, उसका खर्चा मेरे को जहाँ तक एस्टिमेट उन्होंने बताया वो 12,000 के आसपास बताया। बढ़ भी सकता है, अगर कुछ और इशू हुआ तो खर्चा बढ़ सकता है। तो हाँ, बाकी आज के लिए इतना ही, इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप इस व्लॉग से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जैसे लेबर चार्ज, सर्विस चार्ज, ठीक है। तो हाँ, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।